मैं कहूँगी कि मेरी हाइट ना मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और पहले तो लगता था कि वाई मी, मतलब मैं ही क्यों, अब लगता है कि हाँ मैं ही। मैं सोचती थी कि अगर मैं नॉर्मल होती तो मैं इतना कुछ अचीव ना कर सकती होती। मैंने काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स देखी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस भी की, और जिस तरह लोगों ने मुझे बुली करना और देख के हंसना, तो मेरा यही था हमेशा से कि मैं कुछ करूं, एटलीस्ट मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं, मैं अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करूं, मैं इंसानियत के लिए कुछ करूं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं पिछले 7 साल से वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट NGOs के साथ, नेशनली और इंटरनेशनली भी। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ लाइफ ऑफ गिविंग के नाम से, जिसमें मेरी अपनी टीम है। हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे विडोज़ के लिए, ऑर्फेंस के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, और जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए। बस गई वो, मैं स्कॉलरशिप पे नहीं गई थी, मैं सेल्फ फाइनेंस पे गई थी। मैंने खुद अपना मतलब सेल्फ पे एडमिशन करवाया। उसके बाद जब मैंने 3.89 GPA लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मुझे $10,000 की स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसमें मेरी सारी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो गई थी। बस मुझे एक छोटी सी अमाउंट $800 की पे करनी पड़ी। अब जैसे मुझे जो हर्डल्स फेस करनी पड़े, मैं नहीं चाहती थी कि मुझ जैसे और लोग भी करें, तो मैंने मतलब वॉलंटियर वर्क स्टार्ट कर दिए। मैंने उन लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों को पढ़ना चाहा जो मुझ जैसे, उन लोगों की उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनना चाहा। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं ये प्रॉब्लम फेस करूँ तो कोई अगला भी करे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत प्यारी और एक ही दफ़ा ही ज़िंदगी मिलती है, तो क्यों ना इसको खुशी खुशी जिया जाए। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द लोगों को सुनना सीखें, समझना सीखें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको बूस्ट करें, क्योंकि उनको आपके दो प्यार से कहे हुए लफ्ज़ भी ना बहुत मतलब उनको बहुत मोटिवेट करते हैं। और ज़िंदगी अपने लिए तो जीते हैं, कभी किसी और के लिए भी जी के देखें।